थॉमस ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 पत्थरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गुरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोर वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोर वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोर वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना क्यू की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर क्यू को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने क्यू को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरतापूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयर फोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 140,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है 1 नवंबर तक इजराइल के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस पर बयान दिया है कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में
इसराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत एक कठिन और दर्दनाक झटका है। हमारे दिल और हमारे विचार उनके प्रिय परिवारों के साथ हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वैसे भी इसराइल के अंदर लगातार घटती जा रही है और ऐसे में इसराइल के सैनिकों की लगातार हो रही मौतें एक ऐसे बोझ की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का दम निकाल रही है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी इसराइल के सैनिकों की शहादत पर बयान दिया है। אבל גם אבידות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. दरअसल इतने सैनिकों की 48 घंटों में मौत होना पूरे इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और इसलिए इसराइल डिफेंस फोर्स ने पूरी ताकत से इसका बदला लिया। इसराइल एयरफोर्स और शिनबेत के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि आखिर इसराइल के इन सैनिकों को मारने वाला मास्टरमाइंड और हमास को युद्ध के निर्देश देने वाला कमांडर कहाँ पर छिपा है और इसलिए हमले के लिए जिम्मेदार इब्राहिम बियारी को सीधे टारगेट पर लिया गया। शिनबेत को यह सूचना मिली थी कि हमलों का मास्टरमाइंड इब्राहिम बियारी जबालिया के शरणार्थी शिविर में ही अंडरग्राउंड काम कर रहा था, इसलिए इसराइल डिफेंस फोर्स ने ताबड़तोड़ जबालिया कैंप पर हमले शुरू किए जिसमें 1000 किलोग्राम के 6 बम गिराए गए। यह हमला इतना बड़ा और घातक था कि जहां पर बम गिरे वहां पर कई मंजिला गहरे गड्ढे नजर आने लगे। इसराइल डिफेंस का दावा है कि जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में इब्राहिम बियारी काम कर रहा था उसको भी तहस नहस और नेस्त नाबूद कर दिया गया है। अब इसराइल के निशाने पर हमास का एंटी टैंक दस्ता है। אנחנו איננו מעוניינים במלחמה נוספת, אבל אנחנו ערוכים בגבול הצפון. כוחות צה"ל ערוכים בהגנה חזקה, חיל האוויר מוכן לכל משימה. אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנונטט. פגענו בחלק ניכר ברוב המפקדים של המערך הזה. חיסלנו אתמול את מפקד מערך הנונטט של הרצועה, מופיע כאן לפניכם. जबालिया कैंप पर इसराइल ने जो पलटवार किया है उसमें भारी संख्या में आम लोग भी मारे गए हैं। फिलिस्तीन के कई अखबार ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल के इस हमले में 200 लोग मारे गए और करीब 200 लोग मलबे में दफन हो गए। जबालिया कैंप पर हुए हमले के बाद इस्माइल हानिया ने ये बयान दिया कि जब इसराइल की आर्मी की हार हुई तो उसे भारी नुकसान हुआ और उसने उसका बदला आम लोगों से लिया। लेकिन इसराइल का ये कहना है कि अगर हमलों को गाइडेड ही शरणार्थी शिविर से किया जा रहा है तो हमास के हेडक्वार्टर पर हमला करना मजबूरी है। वहीं लेबनान के अंदर भी युद्ध का कहर देखने को मिल रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हिजबुल्ला और इसराइल के युद्ध के बीच अलमशाब गांव की, इन जैसे क्रिश्चियन गांव की क्या प्लानिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको चर्च दिखाना चाहूँगा। आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में करीब करीब 100% जो आबादी है वो क्रिश्चियन समुदाय की है और अभी आप देखेंगे जो चर्च है पूरी तरह से बंद है और ये जो आप पूरा गाँव देखेंगे यहाँ पर हर घर में ताला है, कोई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही चंद लोग हैं जो इस इलाके में आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्ला लेबनान से एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो एक फुल स्केल वॉर भी हो सकता है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला के सबसे बड़े नेता नसरअल्ला ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल की जंग पर कोई भी भाषण नहीं दिया है। लेकिन अब
शुक्रवार को हिजबुल्ला के नेता युद्ध पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में इसराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।